नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 10 जून के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं वो है दोपहर 12:26 से लेकर 12:50 तक, और राहु काल जिसे हम अशुभ काल भी कहते हैं वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में भ्रमण करेगा रात 8 बजे से। आज के दिन चंद्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। चंद्र और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। चंद्र और गुरु और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार रवि और गुरु का प्रति योग भी होने जा रहा है। रवि और शनि का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है। यह अग्र स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। शाम 8 बजे के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, मतलब पूरे दिन यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। इसके 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। आपके कुटुंब के जो महिला वर्ग होंगे उनसे छोटी मोटी बातों से लेकर अनबन हो सकती है और ये अनबन थोड़ी आगे भी बढ़ सकती है, तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के अगर मामला सामने आ जाए तो उस पर जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। अगर आप रिएक्ट करते हो तो उसकी वजह से आपके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होंगे उस पर असर हो सकता है, बुरा असर हो सकता है, तो ध्यान देना आवश्यक है। अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोना। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि और आपके दशम भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में से चंद्रमा के साथ आपके अष्टम भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आप कहाँ पर जाने का मन बना रहे हो या फिर सफ़र पर जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो बहन या फिर भाई होंगे उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी कुछ अलग से बातें सामने आ सकती है या फिर उनके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें आ सकती है जो कि नकारात्मक हो, अशुभ हो। तो मेरे ख्याल से ये जो भी 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। घर के मामले में अगर देखा जाए तो घर के जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आए थे पिछले 1-2 दिन में वो पूरी तरह से नॉर्मल होने के अच्छे आसार बन रहे हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो पैसों के जो भी मामले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि अननेसेसरी आपके पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में कुछ तथ्य आपके सामने आ सकते हैं। मतलब जो भी आपने पैसे खर्च किए थे आपके फैमिली के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, तो वो जो खर्चे थे वो अननेसेसरी थे, तो वो जो बात है आज आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो सामान्य नहीं होगा। थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस फील करोगे, लेकिन अगर आप कहीं सफ़र पर निकल रहे हो तो आपका जो दिन होगा वो अच्छा होगा। मतलब आज के दिन आपके सफ़र हो सकते हैं और सफ़र पर आप जा सकते हो या फिर आपके जो भी अड़े हुए काम थे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, अगर आप ईमेल की राह देख रहे हो, पत्र के बारे में देख रहे हो, लेटर्स के बारे में देख रहे हो, तो वो जो बातें हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाली है, तो वो बात आज आपकी पूरी होने की संभावना अच्छी लग रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। पहली तो बात आपके सेहत के बारे में, ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में खास करके आपके जो राशि है वो थोड़ी इमोशनल होती है, तो 2-3 बातों को लेकर मतलब ध्यान देना आवश्यक है। पहली तो बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे लेकर छोटी मोटी अनबन हो सकती है और वो आप जो अनबन है दिल पर रख सकते हो और वो जो पूर्ण संपूर्ण दिन उसी के बारे में विचार होंगे आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे। यदि आप किसी के प्रेम में हो तो भी यह बात उसी के संदर्भ में सामने आ सकती है। मतलब पूरे दिन थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस फील कर सकते हो, तो यह जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ पर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो वहाँ पर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे उनसे आपको आज के दिन अच्छी मदद मिल सकती है। तो वैसे देखा जाए तो दिन आपका अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 8 बजे के बाद ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है, नेपच्यून आप ही के राशि में से चंद्रमा के साथ
प्रतियोग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आपने किसी कहीं से कर्जा वगैरह लिया है, लोन लिया है, या फिर किसी को विटनेस वगैरह हुए, या फिर किसी को कमिटमेंट किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं, तो उससे लेकर आज जो दिन है वो सामान्य नहीं जाएगा। उसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको आप फील कर सकते हो। हालांकि आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंस में काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन ऐसे कोई परिस्थितियाँ सामने आ सकती है, ऐसे कोई विचार आपके सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से जो संपूर्ण दिन है तो वो इसी मतलब विचारों में बीत जाएगा। और ऐसे अगर कोई बात भी सामने आती है तो उसके संदर्भ में ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना, क्योंकि एक दो दिनों में मतलब ये जो सभी बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के वैया भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है। शाम 8 बजे के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो आय के मामले में, प्रत्यक्ष के लाभ के बारे में जो भी बातें हैं वो आज के दिन आपकी सफल नहीं होगी। ऐसी कोई खबर आपके आपके आप तक आ सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ सकते हो। वो खबर होगी जिसे हम इनकम के बारे में होगी या प्रत्यक्ष लाभ के बारे में होगी, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके मित्र परिवार में जो मतलब महिला जो आपके परिवार मित्र परिवार होंगे उनसे भी आज आपको कुछ अलग ही तरीके के बिहेवियर सामने आ सकते हैं, लक्षण सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से भी ज़्यादा स्ट्रेस आपको आ सकते हैं। वैसे देखे जाए तो आपकी ज़्यादा राशि जल्दी स्ट्रेस लेने वाली है। तो मेरे ख्याल से एक आध दो दिन का बात है, जैसे ही चंद्रमा आपकी के राशि में आ जाएगा शाम 8 बजे के बाद, तो ये जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण दिन आप इसी प्रेशर में थोड़ा रहोगे और स्ट्रेस ज़्यादा फील करोगे। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव में, तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके वैय भाव में आ जाएगा। आपके तृतीय भाव का जो शनि है वह शनि भी चंद्रमा के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा था। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर उससे संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। वहाँ पर स्थित महिला कर्मचारी होंगे उनसे भी आपको आज के दिन प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। मदद नहीं मिलेगी लेकिन उनसे उनके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें आपके या फिर ऐसे तथ्य आपके सामने आ सकती है जो कि आपको विचलित कर सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली है, लेकिन फिर भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में से नेपच्यून के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में से शनि के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी सफ़र पर निकल रहे हो या फिर कोई बड़ा निर्णय लेने के फिराक में हो, कुछ बड़ा निर्णय लेते हो उसके संदर्भ में सोच में हो, तो उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें आपके सामने आ सकती है, कुछ नकारात्मक विचार आपके सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से काफ़ी दुविधा आपके मन में आ जाएगी। तो किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, किस प्रकार से उस पर ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं, तो ये सभी बातें सभी बातों को लेकर स्ट्रेस ले सकते हो आप। और आपकी जो राशि है वैसे देखिए जब काफ़ी स्टडी राशि है, मतलब सभी राशियों में आपकी जो राशि है वो बहुत स्टडी है। अगर किसी भी प्रकार के स्ट्रेस कितने भी ज़्यादा हो फिर भी वो जो स्ट्रेस है वो आप दिखाते नहीं, आप ओपन नहीं करते, वो बात अच्छी है। लेकिन आज के दिन मतलब अगर डिस्ट्रेस होते हो आप, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो उसके संदर्भ में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर, मतलब दूसरी एंगल से अगर देखा जाए तो आपके काम के एप्रिसिएशन भी हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो पहली बात, आप आपके सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसे कोई लक्षण आपके सामने आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन-लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनसे भी किन्हीं बातों पर तकरार हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो सेहत के बारे में जल्दी से ध्यान देना। और यह जो बातें रहेंगी वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण आपको सेहत के बारे में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। शाम 8 बजे के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव का जो शनि है वो शनि भी आपके अष्टम भाव के चंद्रमा के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो पहली बात, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और वो मतभेद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वो जो स्ट्रेस है पूरा दिन आप अपने साथ लेकर चलोगे और उनके सेहत के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन
प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, एक दो दिन के बाद है, मेरे ख्याल से दो दिनों की बात है, उसके बाद ऐसे जो सभी प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना का स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो भी ये जो बात मैंने कही वो आपको अनुभव में आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 8 बजे के बाद ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो आपकी खुद की जो सेहत है उसके बारे में ध्यान दीजिए। आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो निम्न स्तरीय महिला वर्ग होंगे उनसे आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे भी किन्हीं बातों पर आपके मतभेद हो सकते हैं। तो दिन इतना अच्छा नहीं है, आप इसे अशुभ भी कह सकते हो। लेकिन थोड़ा सा शांत, अगर आप शांत रहते हो, अगर आप संयमित रहते हो, अगर आप कंट्रोल में रहते हो तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में से नेपच्यून शनि के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो पहली बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज के दिन बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के ट्रेड नहीं करना। अगर आप लक से रिलेटेड कोई काम करते हो, मतलब जिसमें रिस्क शामिल है, तो आज के दिन बिल्कुल भी ऐसी कोई भी बात नहीं करना, बुरी तरह से आप फंस सकते हो। ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपके सेहत के बारे में भी छोटी मोटी बातें सामने उभर कर आ सकती है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 10 जून के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।